राम। श्री साईनाथ को कोई हिंदू समझता है तो कोई मुसलमान, परंतु सबका मालिक एक का मंत्र देने वाले श्री साईं बाबा किसी एक धर्म के नहीं थे। वो तो केवल मानव धर्म का पालन करने वाले महात्मा थे। कानपुर के रहने वाले संतोष राजपूत जी के मन में भी बाबा को लेकर कई सवाल थे, परंतु विपरीत परिस्थिति में जब श्री साईं बाबा के एक भक्त ने उन्हें कानपुर में ही स्थित बाबा के बिठूर मंदिर में जाने का सुझाव दिया, तब से बाबा को लेकर उनके विचार बदलने लगे और उनके बिगड़े काम बनने लगे। ओम साईनाम। ओम साई राम। संतोष राजपूत, कल्याणपुर, कानपुर। हम बहुत पहले से यहाँ से जब आया जाया करते थे तो बाबा के बारे में नहीं जानते थे। देखते थे कि ये बाबा कोई मुसलमान हैं तो हम चरण वहीं से जोड़ लेते थे, लेकिन मंदिर में कभी नहीं आते थे। ये निरंतर कई साल होता रहा। हमारे यहाँ बिठोर में जाते थे, रिश्तेदार थे, वहाँ जाते जाया करते थे। तो 2000 में हमने एक दुकान खोली। उस दुकान में अनुभव कम था और दुकान चलाने में उतना सक्सेस नहीं हो पाए। सन 2002 में एक लेडीज़ से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि क्यों बैठे हो ऐसे, तो हमने कहा बस बैठे हैं, कस्टमर नहीं है। उन्होंने कहा कि आप क्यों ना साईं बाबा दर्शन करने जाया करो। हमने कहा कहाँ पे, बोले वो बिठोर में जो मंदिर बना हुआ है। तो हमने कहा ठीक, हम जाया करेंगे। साइकिल से वहाँ से हम लोग यहाँ आने लगे, एक दो लोग और थे, और बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन करने के बाद में फिर हमारा निरंतर दुकान का काम बढ़ता गया और जो हम लोग घर में मायूस हो रहे थे, बाबा के दर्शन करने से रोज़ का रोज़ हमारे कस्टमर भी बढ़े, हमारा दुकान का काम बढ़ा। और बाबा का जब से सन 2002 से लगातार हर बृहस्पत को यदि कानपुर में हैं तो ज़रूर साईं बाबा के दर्शन करने आएंगे। इसके बाद सन 2005 से 2003 से बाबा के दर्शन वहाँ सीढ़ी गए, और एक बार बाबा के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। और उस दिन से आज भी बाबा का जो भी मन में हम कर लेते हैं, बाबा वो काम ऐसे सरल से पास कर देते हैं कि जैसे कोई हमारा पुराना सहयोगी हो। और कोई काम में कोई कभी अड़चन नहीं आई। और जो हम एक दुकान चला रहे थे, आज हम 3 दिन दुकानें बाबा की, उससे हमारी खुद की दुकानें हो गई। और तभी से सन 2010 से कल्याणपुर में 2 ऐसे कार्यक्रम होते हैं साईं बाबा के, जो गुरु पूर्णिमा के और 1 जनवरी में होते हैं। उसमें हम लोग बहुत सहयोग करके, बहुत लोगों को एकत्र करके बाबा के 2 कार्यक्रम इस तरह करते हैं, गुरु पूर्णिमा में और 1 जनवरी को, जो आज भी वो बराबर चल रहे हैं। और इतने लोगों की, हम लोगों की कोई उम्मीद नहीं थी कि जो हम लोग इतना काम कर सकेंगे। आज जो कोई भी वहाँ जाता है देखता है, और हमारे कल्याणपुर से कम 20-25 लोग आते थे। कुछ लोग यहाँ आते हैं तो बाबा का कम, लेकिन वो अपने बढ़ावा को देख के यहाँ कि ये ऐसा करते हैं, वो उनका ज़्यादा वो रहता है। सारे लोग धीरे धीरे आना बंद कर दिए,
और उनसे ज़्यादा लोग जो है आज यहाँ, कम से कम कल्याणपुर में 200-300 लोग कल्याणपुर के जो बराबर आते हैं, क्यों, वही आ रहे हैं जो बाबा पर केवल विश्वास करते हैं, जो बाबा पे विश्वास नहीं करते वो आज भी नहीं आ रहे हैं। हम लोग बाबा के इतने वो हैं, कभी कोई भी काम होता है तो बाबा इतने सरल से वो कर देते हैं, और आज बाबा की इतनी हम लोगों के प्रति वो है कि जब भी मन में होता है बस बाबा ही बस दिखाई देते हैं। ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।